तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पथरिया कॉलेज। पथरिया कॉलेज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वह होने वाला है। तो पहले हम पथरिया कॉलेज से पहले हम जाएंगे एक एमपी ऑनलाइन वाली दुकान पर। तो आगे मेरे कुछ दोस्त भी मिलेंगे तो आपको हम उनसे भी पहचान कराएंगे। तो पहले हम पथरिया पहुँच जाएँ, तो चलिए हम पथरिया में ही मिलते हैं। यह रास्ता है जो पथरिया की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो साइड में बहुत सारे यहाँ पर खेत भी हैं और यह ट्रैक्टर है शायद जहाँ तक है पथरिया ही जा रहा है। तो चलिए हम आपको पथरिया की जो सीन है वही भी बताएंगे। तो दोस्तों यही वो मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे साथ ही पथरिया कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तो चलिए हम पथरिया की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो हम बहुत ही जल्द बताएंगे आपको। तो दोस्तों हम पथरिया पहुंचने वाले हैं, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो हम जैसे ही पथरिया पहुंचेंगे तो आपको पथरिया का भी नज़ारा बताएंगे कि किस प्रकार से पथरिया है। तो पथरिया से कॉलेज तो हालांकि 1 किलोमीटर दूर है, तो हम आपको कॉलेज का भी सीन बताएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों यही वो दुकान है जिसमें हमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन रहता है वह कराना है। तो चलिए हम इस दुकान के जो अंदर है वह चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भैया हैं यहाँ के वो यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑनलाइन। और यहाँ पर मेरा जो भैया हैं देख सकते हैं कि अभी ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब काम पूरा हो जाएगा तो हम आपको आगे का और सीन दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस जो हमारा रजिस्ट्रेशन था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वह यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गया है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आई थी। तो आदर्श भैया हैं, उन्होंने उस समस्याओं को सॉल्व कर दिया है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। तो देख सकते हैं कि आदर्श भैया ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वह यहाँ पर सफलतापूर्वक कर दिया है। तो चलिए आज हम अपनी कॉलेज का भी आपको दृश्य है वह दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने कॉलेज की ओर आपको ले चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो पथरिया की रेलवे लाइन है, तो अभी हम पथरिया में हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर जो हमारी पथरिया की हीरो एजेंसी कंपनी है वह भी यहाँ पर है। तो हम अभी कॉलेज जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको कॉलेज का भी सीन है वह बता देते हैं। तो यह पथरिया का दूसरा हिस्सा है, हमारा जो पथरिया है वो थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी 2 रेलवे लाइन तो डल चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर 3री रेलवे लाइन है वह यहाँ पर डल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक क्रॉसिंग के लिए पुलिया होती है वह भी यहाँ पर बन रही है। तो जब बन जाएगी जब हम आपको यहाँ का सीन और बताएँगे। यह हमारा पथरिया क्षेत्र है। दोस्तों हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं और यह कॉलेज का है, ये कॉलेज के बाहर जो तालाब है उसका सीन है। और यह आगे पेट्रोल पंप बना है, तो चलिए हम थोड़ी आगे और चलते हैं। तो दोस्तों हम जो हमारा माधारो सप्रे कॉलेज है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम आपको अंदर का जो सीन है वही भी आपको बताते हैं। सकते हैं कि हमने जो कॉलेज है कॉलेज में भी एंट्री ले ली है और देख सकते हैं कि ये हमारा माधवराव सप्रे कॉलेज है, इसी में हमने भी एडमिशन ले लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे रहते हैं वह यहाँ पर पार्क होते हैं और यहाँ पर जो बाइक है बाइक पार्क होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैदान है वह कॉलेज का बहुत बड़ा मैदान है, आयोजन होता है तो यहीं पर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से कि यह जो है माधवराव सप्रे कॉलेज है, तो यहीं पर हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है इसी कॉलेज में किया है। तो हम आपको और अंदर का नज़ारा बताते हैं।
और दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा था तो उसके लिए यह कड़ी से कड़ी सुरक्षा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलेज है, कॉलेज का यह एक पार्क है, तो यह है पार्क बॉटनी पार्क है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से बॉटनी पार्क भी लिखा है। तो इसके अंदर हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि इसमें अभी जो कानून है वह अभी लागू नहीं हुए हैं, तो हम आपको बाद में जाकर बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा माधव सप्रे है वो हमने आपको बाहर से तो बता दिया है, लेकिन अभी हमने अंदर से नहीं बताया क्योंकि अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं है। तो हम आपको अंदर जब जाएंगे तो आपको हम ज़रूर बताएंगे कि माधव सप्रे कॉलेज है वह अंदर से कैसा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।